हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्यूवर्स चॉइसेस के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताया जाएगा रेडमी नोट 10 प्रो के बारे में। दोस्तों रेडमी नोट 10 प्रो ये शाओमी की तरफ से आने वाला एक न्यू एंड बेस्ट स्मार्टफोन है। ये अभी रिसेंटली मार्च में ही लॉन्च हुआ है। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे थे कि रेडमी नोट 10 प्रो आपको परचेस करना चाहिए या नहीं, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए और आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आप फ्यूचर में आने वाले किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बॉक्स कंटेंट की बात करें तो इसमें आपको एक Redmi Note 10 Pro फोन मिलता है, बैक केस आता है, सिम इजेक्टर टूल मिलते हैं, 33 वॉट फास्ट एडेप्टर मिलता है, USB टाइप सी केबल मिलती है और डॉक्यूमेंटेशन मिलते हैं। तो दोस्तों अब डिज़ाइन की बात करें तो ये एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन के साथ आता है और इसका बैक पैनल जो है वो ग्लास बिल्ड है। दोस्तों इसका बैक पैनल जो है वो मैट फिनिश में मिलता है आपको और ये दिखने में बहुत ही प्रीमियम लगता है एंड इन हैंड फील आपको बहुत ही प्रीमियम फील देता है। दोस्तों इसमें आपको 3 कलर वेरियंट मिलते हैं, विंटेज ब्रॉन्ज, ग्लेशियल ब्लू एंड डार्क नाइट। दोस्तों अब बात करते हैं पोर्ट्स एंड बटन्स की, तो इसमें आपको डाउन साइड एक स्पीकर ग्रिल, USB टाइप सी पोर्ट एंड एक माइक्रोफोन मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड में सिम कार्ड ट्रे मिलता है और ऊपर के साइड के बात करें तो 3.5 mm जैक है, स्पीकर ग्रिल है, आयर ब्लास्टर है और तो और एक नॉइज कैंसलेशन माइक्रोफोन भी है। अब लास्ट राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ आपको वॉल्यूम रॉकर, अप एंड डाउन एंड पावर बटन मिलता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें आपको डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट के साथ ट्रिपल कार्ड स्लॉट सिम कार्ड ट्रे मिलता है। इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है आगे और पीछे दोनों ही तरफ। फोन के वेट की ओर देखें तो इस फोन का वेट है 194 ग्राम्स एंड इसकी थिकनेस की बात करें तो ये 8.1 mm थिकनेस के साथ आता है। दोस्तों अब बात करते हैं डिस्प्ले की, तो इसमें आपको एक 6.67 इंचेस की बड़ी सी एमोलेड डिस्प्ले मिलती है विद 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट। इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें आपको 1200 निट्स की पिक ब्राइटनेस भी मिलती है और तो और इसमें आपको HDR10 का सपोर्ट भी मिलता है। दोस्तों अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 732G प्रोसेसर और इसका जो बेस वेरिएंट है वो आता है 6GB रैम एंड 64GB स्टोरेज के साथ। इसमें हायर वेरिएंट भी आता है 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के साथ। अगर बेस वेरिएंट के प्राइस की बात करें तो ये आपको मिलता है 15,999 रुपये में और हायर वेरिएंट की बात करें तो ये आपको मिलेगा 18,999 रुपये में। दोस्तों इसमें आपको UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप मिलता है और LPDDR4X का रैम टाइप मिलता है जिसकी मदद से कोई भी लैग या शटर देखने नहीं मिलेगा। बैटरी की ओर देखें तो इसमें आपको 5020mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी मिलती है विद फास्ट चार्जिंग सपोर्ट ऑफ 33 वॉट और दोस्तों आपको बॉक्स के अंदर ही एडेप्टर मिलता है एंड ये आपके फ़ोन को 59% चार्ज कर देता है विद इन जस्ट 30 मिनट्स। दोस्तों इसमें आपको MIUI 12 का OS मिलता है जो कि एक स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस देता है। दोस्तों अब बढ़ते हैं परफॉर्मेंस की तरफ, तो जैसे कि आपको बताया इसमें आता है Qualcomm Snapdragon 732G प्रोसेसर। जी हाँ दोस्तों 732G एक 8nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड प्रोसेसर है और ये बहुत ही पावरफुल एफिशिएंट है। डे टू डे लाइफ में ये प्रोसेसर में आपको कोई लैग या शटर देखने नहीं मिलेगा। अगर इस फोन के एंट्री टू स्कोर की बात करें तो इसका स्कोर ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास आता है। अगर गेमिंग परफॉर्मेंस देखेंगे फोन की तो इसमें आप हाई टू वेरी हाई सेटिंग्स पे गेम खेल पाओगे और आपको ज्यादा फ्रेम ड्रॉप्स भी देखने नहीं मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं कैमरा की, तो इसमें आपको 64MP का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। दोस्तों इसमें आपको 64MP का मेन सेंसर मिलता है और 8MP अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें आपको 5MP एंड 2MP के मैक्रो एंड डेप्थ सेंसर भी मिलते हैं। दोस्तों इस फोन का कैमरा बहुत ही बेहतरीन है और ये आपको एक डिसेंट पिक्चर्स क्लिक करके देता है। इस कैमरे की वजह से आप एक डायनामिक रेंज के फोटोज क्लिक कर पाओगे और इसमें इमेज बहुत ही सॉफ्ट आते हैं। दोस्तों आपको स्क्रीन पे इन फोन से क्लिक किए गए कुछ सैंपल फोटोज दिख रहे होंगे, तो चेक करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे इस फोन के कैमरा से क्लिक किए गए फोटोज। दोस्तों अगर कैमरा फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको HDR का सपोर्ट मिलता है विद पैनोरामा और इसके कैमरे की मदद से आप 4K वीडियो शूटिंग कर सकते हो एट 30 FPS
एंड 1080 पिक्सल शूटिंग कर पाओगे एट 30 एंड 60 FPS। सेल्फी कैमरे की बात करें तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है जो कि आपको एक शार्प एंड डायनामिक सेल्फी प्रोवाइड करती है। दोस्तों आप सेल्फी कैमरे की मदद से भी 1080 पिक्सल में रिकॉर्डिंग कर सकते हो एट 30 FPS एंड 720 पिक्सल एट 120 FPS। दोस्तों अगर ऑडियो क्वालिटी की और देखें तो इसमें आपको स्टेरियो स्पीकर्स मिलते हैं जो कि काफी लाउड है और अच्छा साउंड आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, ये IP53 डस्ट एंड स्प्लैश प्रोटेक्शन के साथ आता है। तो दोस्तों ओवरऑल फोन की बात करें तो Redmi Note 10 Pro आपके लिए एक बेस्ट चॉइस होगी क्योंकि इतने सारे फीचर्स के साथ इसका 6GB रैम और 64GB स्टोरेज आपको मिलता है 15,999 रुपए में और 8GB रैम 128GB स्टोरेज आपको मिलता है 18,999 रुपए में। दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये फोन कैसा लगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो के लिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू, धन्यवाद।